गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, माय नेम इज़ गौरव, योर मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस इन कॉलोबेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा कॉनिक चल रहा था, कॉनिक में हाइपरबोला। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो इस क्वेश्चन पे हम करने वाले थे, ये वाला क्वेश्चन बेटा हमने किया था, याद है सभी को? ठीक है, टेंजेंट जो से पास करेगी। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90, इसका मतलब एम वन एम टू इज इक्वल टू 1। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो चलिए बात करते हैं। पहली बात तो रेक्टेंगल कौन सा दे रखा है बेटा? मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको तो सी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? सी बोल सकता हूँ। अच्छा बेटा, इलिप्स मुझे क्या दे रखा है बेटा? इलिप्स मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा इलिप्स मेरा कहाँ पे होगा? कुछ इसके इस तरह से होगा। ठीक है ना, क्या क्लियर? अब बेटा अगर मैं m1 m2 की बात करूंगा, अगर मैं m1 m2 की बात करूंगा, ठीक है, तो देखो अगर इस बात ये मेरा रेक्टेंगल हाइपरबोला है। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों कोऑर्डिनेट्स मेरे सेम है। नॉर्मली हम पॉइंट क्या मानते हैं? a cos थीटा प्लस कॉमा b sin थीटा। अब बेटा a भी मेरा c है और b भी मेरा c है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। तो क्या हो जाएगा ये c sec थीटा और c sec थीटा और c tan थीटा बनेगा? नहीं बनेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा m1 m2 बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? अगर आपको याद हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था? k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद है कि नहीं है? तो k की जगह c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन v c स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर होगा या नहीं होगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, c की जगह वापस डाल दूं बेटा मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, c की जगह मैं वापस डालूंगा तो एक बार तो tan का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से, तो बेटा मुझे क्या मिल गया? tan स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा एक बार मेरा मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से, तो बेटा मुझे वहां से मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब बेटा ये वाला बी स्क्वायर और उस वाली बी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या क्लियर? सेम बेटा नीचे भी अगर होगा तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन गया है? ये बन गया सेक थीटा। ठीक है, और ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया टेन थीटा। जरा ध्यान से देखो दोनों मेरे कट के कितने हो गए, और मैंने कहा था अगर कट के मेरा वन आ गया, इसका मतलब मेरा वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला। आपको बेटा दो हाइपरबोला दे रखे हैं, आपको इन दोनों हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट को निकालना है। ठीक है, हाइपरबोला आपको दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x square upon b square minus y square upon a square is equal to minus 1। अब बेटा पंगा की बात जरा समझिएगा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला है कि नहीं है? अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइनस हो जाता है। ठीक है, हाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी नहीं है, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे a square आता और b square आता तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होते। ठीक है, अच्छा बट पंगा की बात समझिएगा। पंगा क्या है? पंगा ये है कि भाई मेरे पास यहाँ पे माइनस दे रखा है और हमने जो कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें कहीं पे भी माइनस नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो क्या करो बेटा, सबसे पहले अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर कैसे? इस माइनस को इधर से हटाओ और इन दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपना? अल्फा स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं एक परफेक्ट हाइपरबोला, सबसे पहले परफेक्ट हाइपरबोला बनाओ, ये बन गया। अगला काम, अगर कॉमन टेंजेंट है तो इसकी टेंजेंट जो होगी और इसकी टेंजेंट जो होगी इनका सी इक्वल होगा, क्योंकि मेरे पास आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में प्लस माइनस अंडर रूट ए एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? और अगर दोनों ही कॉमन टेंजेंट है तो जो टेंजेंट इससे निकलेगी, जो सी इसका निकलेगा, वही सी इसका निकलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसका सी कितना हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सी हो गया। और इसका सी कितना हो जाएगा बेटा? ए की जगह तो माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह माइनस ए स्क्वायर होगा। अगला काम, स्क्वायरिंग करते ही स्क्वायर रूट गायब। ठीक है, तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा एम मेरे पास क्या आ गया? प्लस माइनस 1। अब आपका एम निकल चुका है, आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। क्या सभी को समझ में आ नहीं आया? ए आपको पता है, बी आपको पता है, एम आपका प्लस माइनस 1 निकल चुका है। ठीक है, चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ कॉइन मिड पॉइंट टी इज इक्वल टू एस 1।
सभी जानते हैं। दूसरा पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आपको पॉइंट चेक करना है कि आउटसाइड है या इनसाइड है। अगर ऑन द कर्व है तो क्या दे देगा, टेंजेंट दे देगा, और अगर आउटसाइड द कर्व है तो बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे देगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर अगर आपको याद हो तो इलिप्स की कितनी हुआ करती थी, -b² / a² mx। तो हाइपरबोला की कितनी हो जाएगी बेटा, v² नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, v² / a² mx। क्लियर। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब बेटा ये सर्कल दे रखा है आपको x² + y² = a². आपने सर्कल की किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल की किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। मतलब आपने हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करी है किससे, इस सर्कल के एक पॉइंट से, इस सर्कल के एक पॉइंट से आपने इस हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। एग्जामिनर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द COC ऑफ द हाइपरबोला। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर मेरा ये हाइपरबोला है, मान लो ये आपका हाइपरबोला हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है, आपके पास ये सर्कल हो गया, आपने सर्कल के एक पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। ये जो COC जा रही है ना, इस COC के मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूंगा तो एक्चुअल में आप इस लाइन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मिड पॉइंट के थ्रू और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू। याद आया नहीं आया? तो मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो दोनों इक्वेशन को निकालोगे और कंपेयर कर दोगे। याद आया नहीं आया? ये तो मैंने कहा था कि दोनों इक्वेशन को मैं निकालूंगा और कंपेयर कर दूंगा। तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो सबसे पहले कॉर्ड ऑफ, पहली बात तो बेटा पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे है। अगर पॉइंट मेरा सर्कल पे है तो कॉर्डिनेट कितने हो गए बेटा इसके, ये बेटा इसके कॉर्डिनेट हो गए a sin theta, a cos theta, a sin theta। क्या पहली बात समझ में नहीं आई? ये हुआ सर्कल का यूज। क्या हुआ बेटा सर्कल का यूज, के कोऑर्डिनेट में h, k की बजाय a cos theta और a sin theta मानूंगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इस पॉइंट से अगर मैंने COC डाल दी, क्वेश्चन क्या होगी बेटा, x(x1 - y, y1) = a² हो जाएगा। क्लियर? तो x(x1) का मतलब a x cos theta - a y sin theta = a² a से a पूरा कट गया बेटा, मुझे मिल गया x cos theta - y sin theta = a, ठीक है। अब बेटा ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इस सर्कल की कॉर्ड होगी, ठीक है। अब बेटा इस सेम कॉर्ड को मैं वापस निकालूंगा मिड पॉइंट के थ्रू, ये मुझे तो लोकस निकालना है ना मिड पॉइंट का। क्लियर? तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालूंगा। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी, s = t1। बेटा दोनों को सिंप्लीफाई किया तो बेटा मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा, दोनों का कंपैरिजन। तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया, cos x / h = sin x / k = a / h² - k² आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, जानते हैं साइन कॉस निकालो, ऐड करो, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। हाँ, ये हम बार बार करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। आपको बेटा वापस क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड के मिड पॉइंट की लोकस की इक्वेशन निकालनी है किसकी, हाइपरबोला आपको दे रखा है x2 x² - 3y² = 1, ठीक है। each of make angle of 45 degree with x axis। मतलब बेटा जो मेरी इक्वेशन है इसका मिड पॉइंट h कॉमा k है, वो बेटा x एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, तो बेटा उसका लोकस निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले को इक्वेशन निकाल लें, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन क्या जाएगी बेटा, x x1 + y y1 = a² आएगी नहीं आएगी, नहीं ओ तो t = s1 क्या आएगी बेटा, t = s1 ये वाली, ठीक है, यही आएगी बेटा मेरे पास। अब क्या करूंगा बेटा, एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपको एज इट इज यहाँ पुट करना है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, एंगल मेरा 45 है, इसका मतलब इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, slope = 1। स्लोप कितना होता है, माइनस का x y, तो बेटा ये आ गया मेरा = 1। तो यहाँ से क्या आ गया, k = this, ये आपका आंसर आ गया, k की जगह y और x की जगह h की जगह x, ये हमारा आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले हेडिंग है बेटा हमारे पास असिम्प्टोट। क्या है बेटा असिम्प्टोट, पहली बात तो बेटा अभी हम समझेंगे कि असिम्प्टोट होते क्या है, उसके बाद हम चलेंगे बेटा कि हमारे इसके अंदर असिम्प्टोट की क्या बात चलती है। पहली बात तो असिम्प्टोट क्या होती है बेटा, लाइन टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी इज नोन एज असिम्प्टोट। मतलब अगर लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है तो बेटा हम उसको असिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। बेटा मेरे पास असिम्प्टोट तीन तरीके होते हैं, पहला वर्टिकल असिम्प्टोट, दूसरा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, और बेटा तीसरा हमारे पास होता है सेंट असिम्प्टोट, या फिर बोलते हैं हम ऑब्लिक्यू असिम्प्टोट, ठीक है। अभी ऑब्लिक्यू कौन सा होता है बेटा, ऑब्लिक्यू इस तरह से होता है कि कर्व का ऐसा एक हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से, वर्टिकल मतलब इस तरह से, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से, ठीक है, और सेंट का मतलब इस तरह से,
ठीक है, जैसे हम हाइपरबोला की अगर बात करते हैं तो ये हाइपरबोला होता है, तो इसमें जो असिम्प्टोट बनता है ना बेटा, ये जो वाई इज इक्वल टू एक्स जो असिम्प्टोट बनता है, ये वाला, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाला जो असिम्प्टोट बनता है ये एक्चुअल में ऑब्लिक असिम्प्टोट होता है। कौन सा होता है बेटा? ऑब्लिक असिम्प्टोट होता है, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं होता। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं पहले। तो बेटा सबसे पहले वर्टिकल असिम्प्टोट अगर आपको निकालना है तो डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, इसको पूरे कर दो डिनोमिनेटर को, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ गया, ठीक है ना। अगर आपको वर्टिकल असिम्प्टोट निकालने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो कर दीजिए, वर्टिकल असिम्प्टोट निकालने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो कर दीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करिए बेटा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या करते हैं बेटा, हम पूरे फंक्शन में लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, ठीक है। और बेटा लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी जब हम पुट करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऊपर नीचे वाली दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन का मेरा डिग्री एक है, डिग्री मगर अगर दोनों की डिग्री मेरी क्या है, बराबर है, तो मेरा आंसर बेटा जो मेरे पास हाईएस्ट डिग्री की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उनका जो कोफिशिएंट होता है ना, वही मेरा आंसर हो जाता है। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री भी कितनी है 2, अगर दोनों की डिग्री समान है तो मेरा आंसर क्या जाएगा, इन दोनों हाईएस्ट डिग्री की कोफिशिएंट की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से तो आ गया 1, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/4। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में नहीं आया? अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होती तो बेटा आंसर मेरा इन्फिनिटी हो जाता, और अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होती तो बेटा मेरा आंसर जीरो हो जाता, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसमें बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे पास, ध्यान रखिएगा बेटा, असिम्प्टोट की जब मैं बात करूंगा तो स्लेंट असिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट दोनों एक साथ नहीं बन सकते। अगर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट बन गया तो स्लेंट असिम्प्टोट नहीं बनेगा, अगर स्लेंट असिम्प्टोट बन गया तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट नहीं बनेगा। वही लिखा हुआ है, स्लेंट असिम्प्टोट एंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आर नॉट टुगेदर पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हमारा निकल चुका है, इसका मतलब स्लेंट हमारा आंसर नहीं आएगा, स्लेंट असिम्प्टोट पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे इस क्रॉस कर दिया है, ये हमारा निकल गया, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, असिम्प्टोट की बात करेंगे तो सबसे पहले वर्टिकल की बात करूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब VA इज नॉट पॉसिबल, VA जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, VA इज इक्वल टू क्रॉस, ठीक है। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, मैंने कहा था ना एक्स इन्फिनिटी, तो मैंने कहा था अगर नीचे वाली की डिग्री ज्यादा तो आंसर कितना आता है, जीरो, जीरो आ रहा नहीं आ रहा, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा असिम्प्टोट हो गया, क्लियर। स्लेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सर ये स्लेंट एग्जिस्ट कब करेगा बेटा, ध्यान रखना स्लेंट एग्जिस्ट तब करेगा जब मेरी इसकी जो वैल्यू है ना, जो हम ये लिमिट की जो वैल्यू निकाल रही है, जब वो इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब बेटा डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर की जो डिग्री है अगर वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो बेटा मेरे पास हमेशा स्लेंट असिम्प्टोट निकलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो बेटा स्लेंट निकलेगा, बाकी इक्वल होने पे भी हॉरिजॉन्टल निकलेगा, और न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी होनी पे ही बेटा मुझे हॉरिजॉन्टल निकलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, जीरो भी फाइनाइट है और 1/4 भी फाइनाइट है, तो मैं हॉरिजॉन्टल बोलूंगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी चला गया तो बेटा मैं स्लेंट बोलूंगा। स्लेंट कैसे निकालना है मैं समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो नहीं हो सकता तो वर्टिकल तो नहीं निकलेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, तो अगर बेटा मैं एक्स को इन्फिनिटी डालता हूँ तो आप देखिए ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से ज्यादा है, इसका मतलब आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैंने कहा था कि अगर ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो बेटा मेरा जो आंसर है ना वो स्लेंट होगा। क्या होगा? स्लेंट होगा। तो स्लेंट असिम्प्टोट हम निकालेंगे कैसे बेटा? दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करो? इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये मैंने डिवाइड किया, देखो। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास बेटा कोशेंट बचेगा ये और रिमाइंडर बचेगा ये, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे पास बंधु था कौन सा था, जो x³ + 2x, ये जो -2x - 2x² - 3x + 6 जो है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा? मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 1 × x - 3 + 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अब पूरे का बेटा मैं x² + 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, कर रहा हूँ नहीं कर रहा? तो बेटा जब मैं डिवाइड करूंगा तो जब पहले से डिवाइड होगा तो इधर कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास बेटा बचेगा x - 3 + 6/x² + 1, बचेगा नहीं बचेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा बचेगा, मतलब मेरा ये बचेगा, ठीक है। अब खुद सोचना बेटा, अगर मेरा x इन्फिनिटी जाता है तो क्या ये वैल्यू जीरो जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि अगर x मेरा इन्फिनिटी है तो ये वाला बंधु नीचे वाला इन्फिनिटी, और नीचे वाला इन्फिनिटी तो पूरा बंधु कहाँ जाएगा? जीरो को जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा?
क्लियर वर्ड हुआ। और ये जीरो को जाएगा तो वाई किसको जाएगा, वाई वाई मेरा जाएगा एक्स माइनस वन को जाएगा, क्या क्लियर। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बेटा मेरा स्लैंट असिम्प्टोट एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी जब हम हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालते हैं तो पॉलीनोमियल अपन पॉलीनोमियल अगर डिग्री इक्वल है तो दोनों के कोफिशिएंट हमारे आंसर होंगे, अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की ज्यादा है तो जीरो आंसर होगा, दोनों में हॉरिजॉन्टल निकलेगा। बट अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो गई नीचे वाले की कम हो गई, ठीक है, तो बेटा उस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा और जो आपका कोशेंट आएगा ये जो आएगा यही आपका एक्चुअल में असिम्प्टोट बन जाएगा। देखो वाई माइनस वन ही मेरा असिम्प्टोट बन गया, उसको मैं क्या बोलूंगा, स्लैंट असिम्प्टोट, ठीक है ना। अगला एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये कट जाएगा, कटने का मतलब अगर कोई चीज कट रही है इसका मतलब वो उस जगह होल दे देगा, क्या दे देगा, होल दे देगा x = 2 पे, असिम्प्टोट नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के अंदर के भी असिम्प्टोट का मीनिंग हाइपरबोला के अंदर क्या होता है, हाइपरबोला के अंदर असिम्प्टोट को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मान लो भैया y = mx + c मेरी असिम्प्टोट है, सिंपल सी बात है। तो क्या करूंगा बेटा, इस लाइन और अपने हाइपरबोला की बेटा मैं सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बेटा, कंबाइंड इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो हमने कंबाइंड का मतलब उसके बाद क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी। और बेटा मैंने आपको सर्कल में बनाया था कि अगर कभी भी कंबाइंड इक्वेशन के रूट्स अगर मेरे इन्फिनिटी हों, क्योंकि अगर बेटा असिम्प्टोट मेरे पास जीरो असिम्प्टोट जा रही है इसका मतलब मेरा स्लोप इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो था, याद आया नहीं आया आपको, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, इसकी कंबाइंड इक्वेशन बना दी, ये मेरे पास बन गई, वाई की जगह मैंने ये डाल दिया, क्लियर। इसका क्या करूंगा बेटा, ये इसकी a आया मतलब x का कोएफिशिएंट ये आया, x का कोएफिशिएंट ये आया, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो, ठीक है। तो बेटा यहां से हमारे पास ये असिम्प्टोट निकल गई, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ये दो निकल गई, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए, ठीक है। तो बेटा अब यहां से हमारे पास काम की बात जो निकलती है, वो काम की बात ये निकलती है कि हमारे पास ये जो कहानी थी इसका कहानी का सार हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इक्वेशन ब्रेड कितनी होती है, x by a minus y by b is equal to 0 और x by a plus y by b is equal to 0। अब बेटा इन इससे हमारे पास काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट क्या आता है कि अगर ये मेरा हाइपरबोला है x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, तो इसकी असिम्प्टोट क्या होगी, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 0। अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, कंबाइंड इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, हमने पढ़ा था स्टूडेंट में सर कंबाइंड इक्वेशन, दो का मल्टीप्लाई L1 into L2, ठीक है। हाँ ध्यान रखना कि अगर मैं वन को हटा के जीरो डाल दू ना तो वो असिम्प्टोट की इक्वेशन बन जाती है, कंबाइंड इक्वेशन, क्लियर। अच्छा अगला क्या बोल रहा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन हाइपरबोला एंड असिम्प्टोट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो डिफरेंस कॉन्स्टेंट आएगा नहीं आएगा, हमेशा आएगा। अरे माइनस करो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो ये से इससे कट गया, इससे ये कट गया, मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा नहीं मिलेगा, वन कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। अगला इफ असिम्प्टोट आर, अगर मान लो मेरे असिम्प्टोट जो मैंने यहाँ पे ये निकाली है, अगर मान लो एग्जामिनर खुद दे देता है कि भैया ये इसके असिम्प्टोट है बताओ मेरा हाइपरबोला क्या होगा, आपको असिम्प्टोट अगर दे देता है अपनी तरफ से, मान लो दो दे दी मुझे, क्या दे दी, Lx plus My plus L प्लस एन इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या होगी बेटा, हाइपरबोला की क्वेश्चन हो जाएगी बेटा दोनों का मल्टीप्लाई प्लस कांस्टेंट, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस कांस्टेंट प्लस के। सर क्यों बेटा, अगर ध्यान से देखें तो दोनों में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, अगर मैं इसमें के जोड़ दूं ना, सॉरी इसमें अगर मैं के जोड़ता हूं ना तो बेटा मुझे एक्चुअल में हाइपरबोला मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं बेटा उसमें के जोड़ देता हूं, क्लियर। तो ये क्या हो जाती है बेटा, इक्वेशन हाइपरबोला हो जाती है। अगला देखते हैं बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम असिम्प्टोट, बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, देखो ये ना, ये तो मेरा क्या था, ये मेरा हाइपरबोला था, एक ये और एक ये, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला था, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो बेटा ये जो मेरी असिम्प्टोट जाएगी ना, ये वाली, क्या ये दोनों के लिए असिम्प्टोट है कि नहीं है, तो वही हम बोल रहे हैं कि हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला के दोनों के असिम्प्टोट बेटा हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। आगे एंगल बिटवीन असिम्प्टोट, बेटा ये जो असिम्प्टोट बन गया एंगल क्या होगा बेटा, मेरे पास एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपलीफाई करोगे तो आ गया 2 sin इनवर्स b / a, और सबसे काम का बात ये रिजल्ट है हमारे पास ये आता है 2 sec इनवर्स e, 2 sec इनवर्स e क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन असिम्प्टोट, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ असिम्प्टोट इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, बेटा कई बार हम यूज करते हैं, आपको क्वेश्चन ऑफ असिम्प्टोट दे देगा और बंदा आपसे पूछ लेगा बताओ सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, ठीक है। तो दो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यही तो है, दिख रहा हो तो, यही तो है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा आपका ये रहा,
ठीक है, तो ये क्या दे देगा बेटा, ये आपको असिम्प्टोट, क्या बोलते हैं, ये आपको इस हाइपरबोला का सेंटर दे देगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ असिम्प्टोट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, मतलब इस असिम्प्टोट की जो बाइसेक्टर है ना, ये जो है ये क्या होगी बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मतलब टीए होता है किसका, हाइपरबोला का, होगा नहीं होगा, इसका टीए होगा, और जब इधर देखूंगा तो ये इसका टीए हो जाएगा, होगा, ये बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट इज 30 डिग्री देन फाइंड एसेंट्रिसिटी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा था टू सेकंड वर्स थीटा इज इक्वल टू ई, टू सेकंड वर्स ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया, सेकंड वर्स ई इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो ई कितना आ गया बेटा, ई मुझे मिल गया sec 15 डिग्री। क्लियर, तो ई आपका कितना आ गया, आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट बेटा बहुत काम का है। क्या बोल रहा है बेटा, C1 plus C2 is equal to twice of C3। अब बेटा C1 क्या है बेटा, constant of hyperbola। C2 क्या है बेटा, constant of conjugate hyperbola, conjugate hyperbola CH। और C3 क्या है बेटा, constant of asymptote, जो asymptote का constant था। ठीक है ना, अब सर ये कहानी क्या है, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। हम क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फाइंड हाइपरबोला हुज असिम्प्टोट आर L1 आपको दे रखा है x plus 2y plus 3 is equal to 0, L2 आपको दे रखा है 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, passing through 1, -1। आपको हाइपरबोला निकालना है जिसके ये दो असिम्प्टोट हैं, और बेटा वो जो हाइपरबोला है वो 1, -1 से पास कर रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, आपको हाइपरबोला का सेंटर भी निकालना है, और बेटा आपको कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को भी निकालना है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या होता है बेटा, L1 L2 का इंटरसेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, वो कितना आ गया बेटा, x = 1 और y = -2। ठीक है, आ गया बेटा मेरे पास सेंटर। ठीक है, अब मुझे बात करनी है बेटा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंबाइंड इक्वेशन निकाल, क्या निकालूंगा बेटा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। याद आया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट L1 × L2। तो बेटा दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये मेरी आ गई कंबाइंड इक्वेशन। आई के नहीं आई? तो अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें, अब समझाना स्टार्ट होगा। देखो, मैंने कहा था जो C3 क्या था, एक्चुअल में आपका C3 क्या था बेटा, C3 मैंने कहा था असिम्प्टोट का कांस्टेंट, असिम्प्टोट का कांस्टेंट। तो जरा देखो इसका कांस्टेंट क्या आ रहा है, 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रहा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये 15, ये मेरा क्या आ गया, हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा C3, इसको मैं क्या बोलूंगा, C3। क्लियर, अच्छा पहली बात। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात, H की क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोली थी बेटा, मैंने H की क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताई थी प्रोडक्ट ऑफ हाइपरबोला, ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के, बोला था नहीं बोला था, मतलब L1 × L2 + k, यही तो मेरी क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला थी। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्वेश्चन हाइपरबोला क्या हो जाएगी बेटा, L1 × L2 + k। तो L1 × L2 तो मैं ये निकाल चुका हूं पूरा, तो कितना आ गया, 3x² + 8y + 10xy + 14x + 22y + 15, ये तो एज इट इज हो गया। प्लस में बेटा मैंने लास्ट में k को जोड़ दिया है, क्या कीजिए, लास्ट में मैंने k को जोड़ दिया। अब ये पास कहाँ से कर रहा है महोदय, बेटा ये महोदय पास कर रहे हैं 1, -1 से, कहाँ से बेटा, 1, -1 से। तो बेटा इसमें क्या करो, 1, -1 डाल दो, तो आपका k कितना निकल जाएगा बेटा, आपका k निकल गया -8। देखो मैं 1 डालूंगा, x की जगह 1 और y की जगह -1, देखो सिंपलीफाई किया, मेरा k कितना निकल गया, -8। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा अगर आपका k -8, अगर आपका k -8, तो टोटल कांस्टेंट कितना गया, 15 प्लस -8 गया कि नहीं गया, टोटल वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 7, कितनी आ गई 7। इसका मतलब मेरा C1 क्या हो गया, 7। देखो मैंने कहा था ना, C1 क्या था बेटा, C1 था कांस्टेंट ऑफ हाइपरबोला, तो मेरा कांस्टेंट ऑफ हाइपरबोला कितना आ गया, 7। ठीक है, और अगर क्लियर हुआ, नहीं हुआ? C1 आपका निकल चुका है, C3 आपका निकल चुका है, आपको कॉन्जुगेट का निकालना है, किसका निकालना है बेटा, कॉन्जुगेट का। तो आप क्या करोगे, रिजल्ट आपके पास क्या है, C1 + C2 = 2 × C3। तो C1 की जगह 7, C2 की जगह C2 as it is, और C3 की जगह बेटा 2 × 15। तो C2 बेटा मेरे पास कितना आ गया, 43। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, L1 L2 तो एज इट इज, L1 L2 तो एज इट इज, और C3 की जगह बेटा मेरे पास आ जाएगा 23। बेटा ध्यान रखना, L1 L2 को जब आप डालो ना, तो आप 15 नहीं लिखना, सिर्फ इतनी वैल्यू लिखे ना, क्योंकि जब मैं C3 की बात करूंगा तो C3 कांस्टेंट है, जिसमें ये वाला 15, ये वाला 15, और इसके अंदर जो मैं k ऐड करने वाला हूं, दोनों की कंबाइंड वैल्यू है C3 23। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? ये इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू है, जैसे यहाँ पे जो C1 था वो क्या था, इस 15 और k का कंबाइंड वैल्यू तो निकली थी मेरी,
क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ऐसे बेटा जो 23 होगा बेटा वो इस 15 का और इसके अंदर जो मैं k ऐड करने वाला था उसकी कंबाइंड वैल्यू बेटा मुझे देगा 23। क्या अभी ये पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा बेटा आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विद असिम्प्टोट। बेटा सिंपल सी बात है, देखो कि आपको असिम्प्टोट देखने हैं, आपको उसकी सेंट्रिसिटी निकालनी है, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट में आपको समझा देता हूँ कि अगर दो देखो पहली बात तो अगर कभी भी दो आपके असिम्प्टोट परपेंडिकुलर हैं, अगर आपके कभी भी दो असिम्प्टोट परपेंडिकुलर हैं तो बेटा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? और अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो बेटा ई कितना आ गया? रूट टू। हम सभी लोग ऑलरेडी रिजल्ट को पढ़ चुके हैं, ठीक है? प्रूफ की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, होगा नहीं होगा? और बेटा अभी हमने इसका थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी बेटा? थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स बी बाई ए इज इक्वल टू 90 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो 2 से 2 कट गई, कितना आ गया? 45। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 45, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू बी, और ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया तो ई कितना आ गया? रूट टू। क्या क्लियर? तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी दो असिम्प्टोट परपेंडिकुलर हो हाइपरबोला के लिए तो वो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करेगा, ठीक है? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट, ये अपने आप करना है, छोटा सा फॉर्मूला क्वेश्चन है, डायरेक्ट लगाओ आंसर निकालो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला। तो बेटा अगर आपको असिम्प्टोट और हाइपरबोला निकालनी है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सेंटर फाइंड करो। सेंटर फाइंड कैसे करूंगा? अरे आपको बताया था ना, डिफरेंशिएट एक बार पार्शियल डेरिवेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार पार्शियल डेरिवेट करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? वहां से आपको मिल जाएगा सेंटर। क्या मिल जाएगा? सेंटर। याद आया नहीं आया? तो ये क्या हो गया? सेंटर, ठीक है? अब अगला काम क्या है? अगला काम बेटा ये है कि मैंने आपको याद हो तो असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? हाइपरबोला हमारे पास, देखिए बेटा हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या थी बेटा? हाइपरबोला की क्वेश्चन थी असिम्प्टोट प्लस की, यही तो थी। तो असिम्प्टोट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? असिम्प्टोट की वैल्यू हो जाएगी बेटा हाइपरबोला प्लस के। ये भी असिम्प्टोट होता है, उल्टा भी देता है, तो के तो कांस्टेंट है ना यार, सिंपल सी बात है। को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस के देगा, नहीं देगा? और के तो मेरा कांस्टेंट, तो माइनस को मैंने वापस अंदर लिख दिया, तो वापस मैंने ऐसे लिख दिया। क्या समझ में आया? नहीं आया? तो अगर असिम्प्टोट दे रखा है तो मैं हाइपरबोला निकाल सकता हूं प्लस के लगा के, ठीक है? और अगर हाइपरबोला दे रखा है तो मैं असिम्प्टोट लगा सकता हूं प्लस के लगा के। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बट आपको के को निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये निकाल दी हमने पॉइंट कि जो असिम्प्टोट होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, तो असिम्प्टोट कितना हो गया? असिम्प्टोट इज इक्वल टू हाइपरबोला प्लस के। हाइपरबोला कितना था? एक्स माइनस 3y माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। कहां से पास कर रहा है? 2.3 से वैल्यू डाला कि आपका निकल गया 6। तो बेटा ये आपके निकल गए इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। क्या सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज रूट 6, इट्स असिम्प्टो इट्स होल्ड करिए बेटा क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूँ। इफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला ऑफ एसेंट्रिसिटी 13 इट्स असिम्प्टोट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब बेटा मैं समझाता हूँ कि भैया आपको एक हाइपरबोला दे रखा है, ये आपको हाइपरबोला दे रखा है, इसकी जो असिम्प्टोट है, इसकी जो असिम्प्टोट है, ठीक है, मैंने इस कर्व के किसी भी किसी भी पॉइंट से दोनों असिम्प्टोट पे परपेंडिकुलर डाला, एक हो गया P1 एक हो गया P2, ठीक है? इन दोनों का प्रोडक्ट P1 into P2 की बात कर रहा है बंदा। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ऑफ एसेंट्रिसिटी 30। तो बेटा इसने ये जो बात की वो इस हाइपरबोला की बात है कि इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मुझे रूट थ्री रखी है, ठीक है? ठीक है, ऑफ इट असिस्टेंट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ये 6 क्या बेटा? इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। तो ये जो कहानी है ना, ये वाली ये इस हाइपरबोला की कहानी है, ठीक है ना? और हम इसके बाद यहाँ से इससे हम वापस रेगुलर हो चुके हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तो एग्जाम में आएगा तो अभी कॉमा लगा देगा, ठीक है? हाँ, इसलिए कॉमा रहेगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि थोड़ा वो बीच की बात कर रहा है, उस क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के सीधे। तो पहली बात तो अगर ये मेरा हाइपरबोला तो असिम्प्टोट कितना हो जाएगा? x² + a² - y² - b² = 0 असिम्प्टोट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे असिम्प्टोट क्या मिल गया बेटा? असिम्प्टोट बेटा मुझे मिल गया y = b/a, y = -b/a। तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा? इक्वेशन बेटा मेरे पास ये आ गई, ay - bx = 0 ay + bx = 0, ठीक है? सर ये निकाली क्यों है बेटा? क्योंकि बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई मैंने हाइपरबोला से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है। तो P1 कितना होता है बेटा?
एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? अब एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपको, अगर आपको याद हो तो एक्स आपका हो जाएगा एक हो जाएगा ए सेक थीटा, दूसरा हो जाएगा बेटा बी टेन थीटा, होगा नहीं होगा? वैल्यू को डाल दिया वाई की जगह बी सेन थीटा, एक्स की जगह बी टेन थीटा, ठीक है क्लियर? अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बेटा ये आ गया, इसका बेटा ये आ गया क्लियर। अब बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा मुझे सिक्स दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या दे रखा है सिक्स दे रखा है क्लियर। हम अगला काम जानते हैं, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा? लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, ठीक है। तो बेटा दोनों में से ए बी बेटा मेरा पूरा कॉमन आ गया, तो क्लियर ए बी मेरा पूरा कॉमन आ गया। नीचे वाला तो जा, नीचे वाला तो जा, इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्या लिख दिया बेटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्लियर। अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर और ए की वैल्यू बेटा मुझे क्या दे रखी है रूट थ्री, तो ई स्क्वायर कितना आ गया बेटा मेरे पास थ्री आ गया, इसका मतलब नीचे में क्या लिख दूं थ्री ए स्क्वायर लिख दूं। अच्छा ऊपर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरा बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा मेरे पास वन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बी स्क्वायर कितना आ गया बेटा आपके पास एटीन, बी आपका आ गया आपके पास, ई आपको पता है कि आपका ए निकल जाएगा, और आपका ए निकल जाएगा तो बेटा आपकी बाकी सारी काम निकल जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगली हेडिंग देखती है बेटा, अगला हेडिंग है बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा स्पेशल केस है। क्या है बेटा स्पेशल केस है बेटा, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट भी है। क्या है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है देखिए बेटा, इन दिस केस वी विल टेक हाइपरबोला हैविंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एज इज असिम्प्टोट। इसका मतलब बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो स्पेशल केस जब हम दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को एज उसकी असिम्प्टोट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा उसकी हम असिम्प्टोट मानते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो निकालने का तरीका अगर हमको देखो ये क्या एक्चुअल में टेढ़ा हाइपरबोला है कि नहीं है टेढ़ा हाइपरबोला, और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक्स अपॉन ई, इसकी हम बात करते हैं क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक्स का मतलब ये दूरी, ठीक है वाई का मतलब ये दूरी, ठीक है एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सी ए और जो सी ए कॉन्जुगेट, ठीक है ना, और वाई का मतलब टी ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं बोल क्या बोलूंगा, इक्वेशन क्या बोलूंगा बेटा सी ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये क्या हो गया बेटा ऑब्लिक्यू हाइपरबोला मतलब टेढ़ा हाइपरबोला। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसके बात करेंगे बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो बेटा इस दूरी को मान लू पी वन, इस दूरी को मान लू मैं पी टू। क्लियर? हाँ, क्योंकि बेटा हमें सी और टी ए की बात करनी है, तो अगर मैं इस हाइपरबोला की बात करूंगा तो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इस पॉइंट से। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये तो क्या हो जाएगी बेटा उसकी सी ए हो जाएगी, और ये जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी टी ए हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो एक्स इजिकल टू वाई टी ए और एक्स इजिकल टू माइनस वाई सी ए, ठीक है। तो ये दूरी मेरी पी टू, ये दूरी मेरी पी वन, अभी हमने बोला था, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, मेरे पास पी वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू वन, ठीक है। तो बेटा जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे पूरे इक्वेशन को तो बेटा आपके पास फाइनल आंसर आता है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और जहाँ पे जो सी स्क्वायर होता है वो क्या होता है बेटा ए स्क्वायर बाई टू। याद रखिएगा बेटा कभी भी अगर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की बात चल रही है तो वो स्पेशल केस की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है बेटा स्पेशल केस की बात कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के स्पेशल केस की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कुछ नहीं है बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाता है बेटा एक्स वाई इजिकल टू माइनस सी स्क्वायर। असिम्प्टोट क्या होगी बेटा एक्स वाई इजिकल टू जीरो, क्योंकि एक बार तो दोनों एक्सेस जीरो है ना, एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा इसके बाद सी टी कॉमा सी बाई टी, सी टी कॉमा सी टी सी बाई टी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टी क्यू टी वन एंड आर टी टू, क्यू टी वन एंड आर टी टू। तो बेटा अब इसका फिनोमेना लगभग आपके पैराबोला की तरह चलेगा। कैसे चलेगा बेटा पैराबोला की तरह, तो ये हो गया बेटा सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन, ये क्या हो गया सी टी टू कॉमा सी अपॉन टी टू, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर कितनी आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ क्यू आर कितनी आ गई बेटा, ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्यू आर आ गई। और स्लोप कितना आ गया माइनस वन अपॉन टी वन टी वन टी टू, इसकी बेटा स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो बेटा फिर से कार्टेशियन फॉर्म है तो टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट मैं लिखा है बट चेक करना है कि पॉइंट मेरा उस कर्व पे है कि नहीं है, पॉइंट एक्स वन वाई वन मेरा कर्व पे है कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूटी, जो कि बेटा हाँ एक बात और बेटा ध्यान रखिएगा कि टू एक्स वाई को ध्यान रखिएगा बेटा ईओटी के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, वाई वाई वन, टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन। बट बेटा अभी तक हमने एक्स वाई का नहीं पढ़ा,
अभी तक हमने एक्स वाई का नहीं पढ़ा, तो बेटा ध्यान रखना टू एक्स वाई की जगह बेटा मेरे पास होता है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाके बच्चा गोचा खा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए इधर गए हम, क्लियर? कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ठीक है, फर्दर बेटा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आपकी आ गई, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे का आपने हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया एक तरह से। अगर मैं पूरे का x1 y1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे y1 y1 कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन x1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर x1 x1 कट जाएगा, मुझे y अपॉन y1 मिल जाएगा, ठीक है। इधर बेटा जो c स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा, देखो किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, एक्स वाई वन सी स्क्वायर तो था आपका, अरे यही तो मेरा कर्व था। अगर मैं एक्स वन वाई वन डालूंगा तो सी स्क्वायर तो मिलेगा मुझे, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर वाला नहीं हुआ, तो बेटा वो सी स्क्वायर बेटा उससे कट जाएगा। तो आपके पास मेन इक्वेशन आएगी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू टू, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप मेरे पास कितना आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स वन। अब मैं नॉर्मल की बात करूंगा तो नॉर्मल परपेंडिकुलर कर दो, इक्वेशन क्या गया, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई वन एक्स माइनस एफ वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सीटी कॉमा सी बाई टी, सीटी कॉमा सी बाई टी, तो वैल्यू डाल दो इक्वेशन में। इसमें अगर मैं एक्स की जगह ये क्वेश्चन डालता हूँ तो मुझे क्या मिल गया बेटा, एक्स अपॉन टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू सीटी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर है तो रूट टू रहेगा, ठीक है। टी ए वाई इज इक्वल टू एक्स, सी ए वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। सेंटर जीरो कॉमा जीरो, वर्टेक्स बेटा हमारे पास जो रहेगी वो सी कॉमा सी और माइनस सी कॉमा सी, मतलब एक ये वाला पॉइंट रहेगा और एक ये वाला पॉइंट रहेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। लेंथ ऑफ टी ए टू रूट टू सी हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स बेटा पैरेलल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, मतलब ये इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी, ठीक है ना। अब देखो, सो डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आपकी हो गई। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर? तो बेटा आपके पास यहाँ से आंसर आया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू सी, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस रूट टू सी, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको उसका प्रूफ समझा रखा है, ये आपका प्रूफ इसका पूरा कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकला, ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है। ये हमारा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए, क्या रख लीजिए, याद रख लीजिए क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है ना। अच्छा, फोकाई क्या हो जाएगा बेटा, फोकाई हो जाएगा बेटा रूट टू सी, रूट टू सी, ठीक है, कॉमा माइनस रूट टू सी, कॉमा माइनस रूट टू सी, दो फोकाई होगा ना, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव और थर्ड में तो दोनों नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए बेटा, आपका जो ये वाला रेक्टेंगल लास्ट वाला जो कोश केस है बेटा, इसको आप केसेस अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा केसेस को लिंक करके याद करिएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना इसमें बेटा मोस्टली सीधा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट पॉइंट टी, मीट द कर्व अगेन एट टी वन, देन फाइंड टी क्यूब टी वन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, एक्स अपॉन टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू टू सी। स्लोप बेटा मेरे पास कितना आ गया बेटा, स्लोप मेरे पास आ गया माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया बेटा, मेरे पास नॉर्मल का स्लोप आ गया बेटा टी स्क्वायर, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे नॉर्मल की बात चल रही है, इसकी बात करिए नॉर्मल की बात कर रही है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास टी पॉइंट क्या हो गया, सी टी कॉमा सी बाई टी वन, और टी वन पॉइंट क्या हो गया, सी टी वन कॉमा सी बाई टी टू टी वन, ठीक है। ये समझ में नहीं आया, अरे कर्व को जब नॉर्मल वापस कट कर गई तो ये तो मेरा टी था और ये मेरा टी वन था, क्लियर। तो स्लोप बेटा मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन c2 माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। और ये अभी हमने कितना निकाला था, हमने निकाला है कितना, ये निकाला है, तो मैं क्या करूंगा इसको बेटा इसके इक्वेट कर दूंगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो पूरे से c मेरा कैंसिल आउट, पूरे से c मेरा कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, आपका आंसर आ जाएगा टी क्यूब टी वन इज इक्वल टू माइनस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द रेक्टेंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 16 एट 16.1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू, जरा समझना बेटा कि ये पॉइंट है, इसको आप डाल के देखिए इस हाइपरबोला के ऊपर है कि नहीं है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरा कुछ ग्राफ है, ऐसे है, एक ऐसे है, मैंने एक पॉइंट से एक टेंजेंट डाली है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेटा मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल, तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई तो क्या अगला काम क्या होगा, ये दूरी निकालो, दोनों का आंसर निकाल दो। बेटा अगर आपको ध्यान हो तो सेम क्वेश्चन हमने हाइपरबोला सर्कल में करा है, पैराबोला में करा है, हाइपरबोला में करा है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी हमने कर दिया बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट मुझे पता है 16.1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू टू,
ठीक है। तो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ गया बेटा, ये आ गया 32.0, ये आ गया 2.0, तो एरिया कितना हो गया बेटा 1/2 × 2 × 32, दैट इज 32 मेरा एरिया आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया बेटा? आपका कॉनिक सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। इधर आपका सेक्टर कंप्लीट है। किसी को बेटा कोई भी डाउट हो तो बेटा मुझसे मैसेज डाल के या स्कूल में आके कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बाय टू ऑल, कॉनिक सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाय।